तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी के पिटारा पे। फ्रेंड्स, आज मेरे नाना जी का जन्मदिन है और 75वां जन्मदिन मना रहे हैं मेरे नाना जी। तो इस 75वें जन्मदिन पर बहुत बड़ा समारोह रखा है, बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, धीरे धीरे सारी क्लिप्स दिखाऊंगी, छोटी छोटी आप देखना। और फैमिली से भी बहुत सारे लोग आए हैं, इधर उधर से सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो बहुत बड़ा समारोह है। सब मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी 75 साल से ऊपर के लोग हैं या जो 75 साल के हैं, उन सबको सम्मानित किया जाएगा। और आज मेरे सिर्फ एक नाना जी का जन्मदिन नहीं है, दो नाना जी हैं, उनका दोनों का जन्मदिन आज ही के दिन है, क्योंकि वो जुड़वा है। आपको मैं अलग अलग दिखाऊंगी एक बार, और फिर आपको मैं साथ में दिखाऊंगी। तो जब अलग अलग देखोगे ना, तो पहचान ही नहीं पाओगे आप। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे नाना जी का बर्थडे है। अभी मैं दूसरे नाना जी से भी मिलवाऊंगी और फिर आप पहचानना के कौन से वाले पहले मिले थे। और ये देखिए, अब पहचानिए पहले कौन से नाना जी मिले थे। इनका आज बर्थडे है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, अगर आपको इन दोनों भाइयों से अलग अलग मिलवा दिया जाए ना, तो आप पहचान नहीं पाओगे एक बार में। तो और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं इनकी लाइफ से रिलेटेड, आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अभी आगे के समारोह की तरफ और देखिए आज हमारे यहाँ का ये जन्मदिन का महोत्सव। तो अपने जन्मदिन की शुरुआत की है इन दोनों भाइयों ने हवन से। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर रेडी होकर सबसे पहले इन्होंने हवन किया है, और हम यंगस्टर को ये सीख दी है थोड़ा वेस्टर्न कल्चर से निकलकर अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ भी ज़रूर देखें। हम हमेशा अपने जन्मदिन पर आजकल केक काटते हैं, डीजे बजाते हैं, नाच गाना करते हैं, दुनिया भर की पार्टीज़ करते हैं, लेकिन क्या कभी हम अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार अपना जन्मदिन मनाते हैं? शायद ही कोई मनाता हो। तो इन दोनों भाइयों ने हम यंगस्टर को ये सीख दी है कि अपना जन्मदिन को कभी अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार भी ज़रूर मनाएं। और फ्रेंड्स, इन दोनों भाइयों का नाम है अतर सिंह चतर सिंह, और ये मेरे मम्मी के ना चाचा जी लगते हैं। और बस हवन का कार्यक्रम करने के बाद अभी शुरू होता है जन्मदिन के समारोह का अगला कार्यक्रम, और उसमें ये सामने नाना जी वगैरह बैठ गए हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इधर लेडीज़ बैठे हैं, उधर जेंट्स बैठे हैं, और बहुत सारे लोगों को बुलाया है, बहुत सारे गेस्ट आए हैं, दूर दूर से आए हैं, आसपास के भी जो बहुत बड़े बड़े ओहदे पर हैं, जिनसे नाना जी की जान पहचान है, जो इनके दोस्त हैं, उन सबको बुलाया है नाना जी ने। बहुत सारे लोग आए हैं, ये देखिए कितनी लेडीज़ बैठी हैं, उधर जेंट्स लोग बैठे हैं, मतलब इतना दूर तक व्यवस्था की गई है, काफ़ी बड़े एरिया में, फिर भी शायद जगह कम पड़ रही है, पीछे लोग खड़े हैं। और ये देखिए इधर सोफ़े वगैरह लगा रखे हैं, इधर जो कुछ गेस्ट आए हुए हैं, जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं, और कुछ खेल जगत से भी लोग बुलाए गए हैं। और जहाँ खेल जगत का नाम आता है, वहाँ हम बबीता और गीता को तो कैसे भूल सकते हैं। ये बबीता और गीता वही दोनों बहनें हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है खेल जगत में, और आज वो तो नहीं आ पाई हैं, लेकिन उनके पिता आए हैं महावीर सिंह जी, इनको भी कौन नहीं जानता होगा। इन्होंने अपनी बेटियों को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की है, इनको तो कोई नहीं भूल सकता, इनको शत शत नमन है हम सब की तरफ से। और अभी ये हम सब को मंच पर आकर कुछ बातें बता रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की इनसे कि यहाँ बैठे सभी लोगों को कुछ बातें बताएं, ताकि यहाँ की बेटियाँ भी आगे बढ़ सकें, लोग अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकें, पढ़ा लिखा कर जो वो करना चाहती हैं उस लाइन में उनको भेज सकें, क्योंकि बेटियाँ किसी से कम नहीं होती हैं। ये यही हम सबको बता रहे हैं, इस समाज को एक उदाहरण दिया है इन्होंने, और वही एक्सपीरियंस ये हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसी तरह यही सिलसिला चलता रहा बातों का, और फिर सबको सम्मानित किया। ये मेरी नानी जी हैं और इनको सम्मानित किया गया है, और ये मेरे नाना जी हैं इन दोनों भाइयों के सबसे बड़े भाई, और इनको भी सम्मानित किया गया है। जो भी 75 साल या 75 साल से ज़्यादा के लोग हैं, उन सबको यहाँ सम्मानित किया गया है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ गेस्ट अभी आ ही रहे हैं, और नाना जी को माला पहना रहे हैं दोनों को। ये देखिए इनके दोस्त लग रहे हैं ये, तो सब इनको बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं जन्मदिन की, कि तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। इसी तरीके की सब बातें कर रहे हैं जो इनके दोस्त हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं इनके साथ। और इनको भी सम्मानित किया गया है, बड़े बुजुर्गों को,
और बस इसी तरह यही सिलसिला चलता रहा, लोग आते रहे और इनको बधाइयाँ देते रहे। और ये एक और गेस्ट आए हैं, ये इनके लिए इन्हीं की फ़ोटो बनवा के लाए हैं। और आप ये देखना करीब से, ये फ़ोटो देखिएगा आप, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, एक जैसा गेटअप लिया है, ये हमेशा एक जैसे ही गेटअप में रहते हैं, कभी भी देख लेना। तो ये कभी किसी पार्टी की फ़ोटो, इन्हीं की पार्टी में गए थे तब की फ़ोटो, और इन्होंने यही इनको बनवा कर दी है। और फिर इसके बाद इन्होंने एक और बहुत ही बढ़िया काम किया जो हम सबको करना चाहिए। अपने जन्मदिन पर इन दोनों भाइयों ने एक पेड़ लगाया है, और हम सबको सीख भी दी है कि हमें हर जन्मदिन पर पेड़ लगाना चाहिए, ताकि हम जब जितने साल के उतने हम पेड़ लगा चुके हों। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इन दोनों भाइयों की लाइफ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जुड़वा तो भगवान बहुत लोगों को बनाता है, लेकिन उसको बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जुड़वा तो हैं ही, साथ में इन्होंने इस बात को बनाए रखा है बहुत अच्छे तरीके से। इन दोनों भाइयों का लालन पालन एक ही जगह पे हुआ, एक ही स्कूल में पढ़े, और पढ़ाई करने के बाद इन्होंने कैरियर भी एक ही लाइन में बनाया। ये दोनों पेशे से अध्यापक थे और एक ही स्कूल में पढ़ाते थे, और एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे। बचपन से ही ये हमेशा साथ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार रहा इन दोनों भाइयों में, और आज भी इस प्यार को इन्होंने बना कर रखा है। कभी भी एक अकेला भाई किसी पार्टी में नहीं जाता, अगर पार्टी में जाएंगे तो दोनों जाएंगे और एक जैसी ड्रेस पहन के जाएंगे। मतलब एक जोड़ी कपड़ा तो एक का सिलता ही नहीं है, अगर कपड़ा सिलेगा तो दोनों का सिलेगा, एक जैसा सिलेगा, और इनको साइज़ भी एक जैसा ही आता है। और फ्रेंड्स, एक दूसरी बात और बताऊँ कि अगर एक भाई को कोई तकलीफ़ होती है, बीमार हो जाता है, तो दूसरे भाई को भी ऑटोमेटिकली ही वो तकलीफ़ महसूस होने लग जाती है। और छोटी मोटी बीमारी नहीं, बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर एक भाई को हुई है तो दूसरे को भी वही सेम बीमारी हो जाती है। तो मतलब आप देख रहे हैं, भगवान ने तो जुड़वा बनाया ही, लेकिन इन दोनों भाइयों ने इस चीज़ को बना कर रखा है आज भी। और भगवान करे मेरे नाना जी बहुत साल जिए, अभी तो 75 साल के हुए हैं, 100 साल जिए, और ऐसे ही हर बार अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करें। और ये देखिए फ्रेंड्स, गेस्ट जा चुके हैं, खाना वगैरह खाकर कुर्सियाँ खाली हो गई हैं, समारोह संपन्न हो गया है, बस अभी तो फैमिली वाले बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, मेरी शक्ल तो बहुत खराब है, और ये है मेरा हैंडसम सा मामा, और ये देखिए ये है मेरा हैंडसम सा मामा, मेरा सा छोटा, देखिए ऐसे मामा है तुम्हारे पास, जिसके पास हो वो कमेंट बॉक्स में बताना। और ये देखिए मेरे हैंडसम सी नानी, नानी ये देखो बहुत हैंडसम है, और ये हमारी मौसी हैंडसम बोल दिया, गॉर्जियस नानी नॉट हैंडसम। सब लोग जा रहे हैं अभी बस, पर अभी हम सब बातें मार रहे हैं, लड़ा रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आए हैं आज के समारोह को देखने के लिए। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये समारोह हमारे लिए कितना खास है। और फ्रेंड्स, अभी ये मेरे नाना जी से, यानी उनके बड़े भाई से इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं, और भी बहुत से लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया है, तो बहुत ही अच्छा लगा है आज। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज मेरे जुड़वा नाना जी से मिलकर, और उनके जन्मदिन का समारोह आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।